नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। दरअसल बिजनौर के कोतवाली देहात के गांव नारायणी में चुनावी बहस से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव व मारपीट हुई। घंटों तक चले पथराव में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। विकास दुबे कहलाना पसंद करता है, वह गाँव में सभी लोगों पर रौब गालिब करता है। आए दिन गाँव में विवाद की स्थिति उत्पन्न करता है। विकास दुबे पहलवानी की चाहत रखने वाला, इमरान पर कोतवाली पुलिस की पूरी तरह से मेहरबानी है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने अभी तक खुली हवा में घूम रहे इमरान को गिरफ्तार नहीं किया है। जी, आपका नाम? हलीमा। जी, आपको चोट कैसे लगी? मैं घर पर ही आई, उधर से जो है आदमी गाली को देते हुए लाठी ले रखे उन्होंने, पहले तो यहाँ का सामने हमारे गेट पर आकर लठ बजाए, बहुत गालियाँ दी, भैया हम भाग करो होगा सही मस्त। अच्छा, जो आपके घर पे ये पथराव हुआ है, पत्थर पड़े हैं, ये किसने बरसाए हैं, कौन व्यक्ति थे ये लोग? ये इमरान और समीम और नसीम और ये सब लोग, इनके बहुत सारे। अच्छा, पहले भी कभी कोई ऐसा विवाद हुआ है? ये तो बहुत, पूरे गांव में कोई इनका सब में पुलिस आई, पुलिस के बाद हमारी जान बची भैया, और फिर उसके बाद हम बेहोश हो गई, मुझे कोई पता नहीं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद जी, ये आज आपको चोट लगी है, ये कैसे चोट लगी है? सर, कुछ हम घर पर सब मौजूद थे, सामने से 20-25 लड़के आए रात में, उन्होंने सर हमारे घर पर आकर पथराव। कौन लड़के थे वो? सर, सामने वाली पार्टी का। क्या नाम है उनका? उनका नाम समय पहले मोहम्मद इमरान, अरजी जाहिद, अरजी समीम अहमद। अच्छा, ये किस बात को लेके विवाद हुआ? सर, ये विवाद जो हुआ है, ये हमारी पार्टी की इलेक्शन की वजह से विवाद हुआ। अच्छा, तो क्या पुलिस में आपने तहरीर वगैरह दी, कोई कार्रवाई हुई? हाँ, कार्रवाई सही हुई, पुलिस आई फिर शासन, तभी हमारी जान बुझी सर। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हैं? सर, हम लोग 4 लोग घायल थे इसमें। क्या नाम है आपका? मगन सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सेठनंग नरेनी। और यह गांव में एक विवाद हुआ है चुनाव को लेकर, जी क्या हुआ है ये बताइए। जी, हम जब जीते गांव से चले, हम कोतवाली से गांव में आए, ये लोग हमारे पीछे डंडा लेकर गाड़ी के पीछे। जीतने वाले कौन थे? जीतने वाले अभी थे। क्या नाम है? मगन सिंह। हमारे लड़के की वो थी जी, उनके पीछे डंडा लेकर भाई गाड़ी के। फिर क्या हुआ? फिर ये आगे वो, ये लोग इन्होंने नहीं लेकर दिया, या फिर दूसरे गांव में घूम के आए, आगे डंडा लेकर खड़े हो गए जी। बताते हैं, ये विवाद काफी वक्त से चला भी आ रहा है, चुनाव से पहले भी ये झगड़ा हुआ है, उसमें लेकर के काफी चोटिल भी आ रहा है झगड़ा जी। ऐसा क्यों होता है, कौन विवादित है इस गांव में? ये इमरान हरी है, इन्हें इनके लड़के को मार दिया था, एक बहुत जख्मी लड़का है वो जी। पहले तो भी कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हो पाई है? कार्रवाई नहीं हो जाहा, फिर रुक जाहा। अच्छा, कार्रवाई होती है, हाँ। फिर उस पर सटीक से कार्रवाई नहीं हो पाती, जो कि जेल जाने का रास्ता मिल जाए उनको, कुछ नहीं हो पाता। जी जी जी, ऐसा ही। मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीनगर में रहने। आपकी जी चोट लगी है चुनाव में, तो किस बात को लेकर के लगी है? आप कहाँ थे उस वक्त में, किसने मारी है चोट? सर, हम तो जंगल से आ रहे थे, हमको तो पता भी नहीं था जी। और वो हम जंगल से आ रहे थे, ये लठ लेके घूम रहे थे। कौन? ये जाहिद, इमरान, समीम, नसीम और ये पूरा, मतलब इनका पूरा ही खानदान था। अच्छा, आपने इसकी तहरीर थाने को दी है जी, तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है कार्रवाई, कोई नहीं हुई।